मैं हूँ अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस की योजनाओं से क्या सच में घरों में हो रही है तकरार? गृह लक्ष्मी योजना को लेकर घर घर लड़ाई शुरू हो गई है। दावणगेरे जिला के वनहल्ली में लोगों का आरोप, बीजेपी पूर्व मंत्री रेणुकाचार्य ने कहा कि सास और बहू दोनों को 2000 रुपये देना चाहिए सरकार को। इससे पहले सरकार ने कहा था कि वो सभी महिलाओं को 2000 रुपये देगी, अब कह रही है कि इनकम टैक्स भरने वालों को नहीं मिलेगा 2000 रुपया, जिससे घर घर में झगड़ा है। कहा पूर्व मंत्री रेणुकाचार्य ने खुद के अधिकार में कुछ न करके जनता को मिलने वाले फायदे के बीच आकर लोगों में दरारें डालने का काम करने वाले इन नेताओं को कब जनता के लिए अच्छी सोच आएगी, कह रही है जनता। रास्ते पर लॉरी चालकों से पैसा वसूलने वाले पुलिस सस्पेंड। नेशनल हाईवे पर पुलिस बिना वजह लॉरियों को रोककर पैसे मांग रही थी। एक एएसआई समेत 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये घटना तुमकुरु की है, जहां कलमबेल्ला थाने के एएसआई चिदानंद स्वामी और जीप चालक चिक्का हनुमैया को सस्पेंड कर दिया गया है। तुमकुरु के एसपी राहुल कुमार शाहपुर के आदेश पर सस्पेंड कर दिया है इन पुलिस वालों को, जो रिश्वत ले रहे थे। ये पुलिस वाले शिरा से तुमकुरु जाने वाले नेशनल हाईवे 48 पर लॉरियों को रोककर 200 से 300 रुपये हर लॉरी वाले से वसूल कर रहे थे। लॉरी चालक से पैसे लेने का नज़ारा रास्ते पर जा रहे लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। भारी बारिश से कई घर वाले हुए बेघर। राज्य के कई जिलों में चिलचिलाती धूप से लोग परेशान थे, अब बारिश से परेशान हैं। भारी बारिश से 7 घरों का बड़ा नुकसान हुआ है। चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरे तालुका के मिडलू घट्टे पिंजारहट्टी गांव का ये मामला है, जहां भारी बारिश से रुसुबी काशिम साहब, रेशमा शरीफ बी दादू, रुद्रप्पा महबूब साहब, काशिम पीर के घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस बारिश से गांव वालों ने राज्य सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस नुकसान की वजह से ये पूरे परिवार अब बेघर हो गए हैं। राज्य में एक तरफ पानी ही पानी तो दूसरी तरफ पानी पानी को तरसती जनता। इस बार मानसून देर से आया है, जिसकी वजह से लोग पानी के लिए परेशान हैं। कोप्पड़ जिला कुष्टगी तालुका बिचकल ग्राम पंचायत के बुद्दुरु तांडा में पानी के लिए लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीनों से हमारे गाँव में पीने के पानी की बहुत समस्या है और हमारा हाल पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है इस गांव में, जिसके लिए हमें गांव से दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्या को जल्द से जल्द हल करें, वरना पानी पानी को लेकर रोज़ाना ज़िंदगी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। लड़कियों के यूनिफॉर्म को बदलने की तैयारी। कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा शिक्षा विभाग को सिफारिश करते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए यूनिफॉर्म में बदलाव जरूरी है। कोई लड़की स्कर्ट शर्ट नहीं चलेगा, चूड़ीदार और पतलून बेहतर है इनके लिए, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा के साथ साथ इनकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। इसीलिए शर्ट और लहंगे को बदलकर चूड़ीदार और पतलून के लिए कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सिफारिश की है एजुकेशन विभाग से। फ्री बिजली के लिए भरना होगा पिछला बाकी बिल। कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली बिल के लिए एक और कंडीशन रखी है जनता के आगे। अगर आपको फ्री बिजली बिल का लाभ लेना है तो आपको पिछला बाकी बिल चुकाना होगा, तभी आपके लिए ये ग्रह ज्योति योजना मिलेगी। अगर पिछला बिल बाकी है नहीं भरा गया तो आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे, कहा है सरकार ने।
कंडक्टर बनकर शक्ति योजना का चालन करेंगे। राज्य के सीएम विधानसौदा में शक्ति योजना का शुभारंभ कार्यक्रम विशेष रूप से शक्ति योजना के उद्घाटन करेंगे सीएम सिद्धरामैया। एक दिन के लिए कंडक्टर बनेंगे सीएम और महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से देंगे टिकट। शक्ति योजना के उद्घाटन से पहले बस में सफ़र किया सिद्धरामैया ने। मैजिस्टिक बस स्टेशन से विधानसौदा तक सफ़र करके बस का अनुभव लेकर सीएम ने जो 11 जून दोपहर 1 बजे से इस महिला फ्री बस की शक्ति योजना का चालन करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। तूफानी हवाओं के साथ राज्य में होगी भारी बारिश। 3 या 4 दिन कर्नाटका में भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। साहिली दक्षिणी अंदरूनी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है और मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। राज्य के 9 जिले बेंगलुरु सहित आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है, तो वहीं राज्य के कई जगहों पर आंधी तूफान के तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताते हुए जनता को होशियार रहने की जानकारी दी है मौसम विभाग ने। 31 जिलों के लिए 31 जिला उस्तवारी मंत्रियों को नियुक्त किया सीएम सिद्धरामैया ने। राज्य के तमाम जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। सरकार की ओर से किस जिले से किस मंत्री को मिला जिला इंचार्ज मंत्री स्थान। डीके शिवकुमार को बेंगलुरु सिटी, डॉक्टर जी परमेश्वर तुमकुरु, एचके पाटिल गदग, केएच मुनियप्पा बेंगलुरु ग्रामांतर, रामलिंगा रेड्डी रामनगर, केजे जॉर्ज चिकमंगलुरु, एमबी पाटिल बिजा पुर, दिनेश गुंडूराव दक्षिण कन्नड़, एचसी महादेवप्पा मैसूर, सतीश जारकीहुली बेलगाम, प्रियांक खरगे गुलबर्गा, शिवानंद पाटिल हावेरी बीजेड, जमीर अहमद खान विजयनगर, शरण बसप्पा दर्शनापुर यादगीर, ईश्वर खंडरे बीदर, एन चलुराय स्वामी मंडिया, एसएस मल्लिकार्जुन दावणगेरे, संतोष लाड़ धारवाड़, डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल रायचूर, आरबी तिम्मापुर बागलकोट, के वेंकटेश चामराजनगर, शिवराज तंगड़गी कोप्पल, डी सुधाकर चित्रदुर्ग, बी नागेंद्र बल्लारी, के एन राजन्ना हासन, भैरती सुरेश कोलार, लक्ष्मी हब्बाड़कर उड़पी, मंकाल विद्या उत्तर कन्नड़, मधु बंगारप्पा शिमोगा, डॉक्टर एमसी सुधाकर चिकबल्लापुर, एनएस भोस राजू कोडगु के लिए जिला उस्तवारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं। 81 साल की उम्र में 5वां पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया निंगैया ने। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 81 साल के एक वरिष्ठ नागरिक ने दिखाया है कि शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन सीखने की दिलचस्पी बूढ़ी नहीं हो सकती। शहर के प्रसिद्ध BLDE संस्था के नर्सिंग कॉलेज में आयोजित इग्नो यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की एग्जाम में MA इन इंग्लिश निंगैया ने अंग्रेजी में फाइनल की परीक्षा लिखकर सबका ध्यान आकर्षित किया। ये निंगैया वडियर की 5वीं पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा है और पढ़ाई के लिए उनका जुनून और मजबूत इरादा उन लोगों के लिए एक आदर्श है जो अपनी पढ़ाई को आधा अधूरा छोड़ देते हैं। बागलकोट जिले के इलकल तालुका में गुडूर के पास यस्सी हल्ली के रहने वाले निंगैया वडियर को 2 बेटे 1 बेटी और 5 पोते-पोतियाँ हैं। हालाँकि उनकी शिक्षा में इसकी वजह से कुछ भी रुकावट नहीं आई। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।